तो मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का विश्लेषण करेंगे। अरविंद केजरीवाल के मन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पल रहा है और लोकतंत्र में ये ख्वाब हर किसी के जहन में आना जायज़ है। उन्हें लग रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे हालात में वो विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। देश में 2024 में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बहस कई बार होगी कि बिखरे हुए विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा होगा कौन, क्योंकि इस लिस्ट में नाम बहुत सारे हैं। सबसे पुरानी पार्टी के राहुल गांधी हैं, बहुत दिनों से ममता बनर्जी भी खुद को 2024 के लिए प्रोजेक्ट कर रही हैं, नीतीश कुमार को भी कुछ पार्टियाँ विपक्ष का पीएम का चेहरा बनाने की कोशिश में है, अरविंद केजरीवाल खुद को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सभी नेताओं के लिए सेम पेज पर आना बहुत बड़ा चैलेंज है, विपक्ष के बीच एक राय बनाना बहुत मुश्किल है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल के मन में फूटा पीएम वाला लड्डू आपको देखना चाहिए। 130 करोड़ भारत के लोग मिलके प्रण लें कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद ये सवाल उठा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के दिल में पीएम वाला लड्डू फिर फूट रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल ने 2024 में प्रधानमंत्री वाली महत्वाकांक्षा फिर पाल ली है? इन सवालों के पीछे छिपी वजह जानने से पहले जरा इस कार्यक्रम के बारे में जान लीजिए। कार्यक्रम में देशभक्ति हर जगह डाली गई थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल मंच पर आए, उन्हें एक तिरंगा थमा दिया गया, जिसे वो अगले सवा दो मिनट तक लहराते रहे और पीछे देशभक्ति का गाना बजता रहा। सामने जो समर्थक थे उनके हाथों में भी पहले से ही तिरंगा था। भाषण देने से पहले अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, ठीक वैसे ही जैसे वो 10 साल पहले अन्ना आंदोलन के दौरान लगाया करते थे। मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, जय हिंद, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने मेक इंडिया नंबर वन कार्यक्रम का ऐलान किया और सभी देशवासियों को इससे जुड़ने की अपील की। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर वन। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है, इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। देश को नंबर वन बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज जो प्लान बताया, अब उसे भी सुनिए। हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम, हर व्यक्ति के लिए मुफ्त इलाज, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान, किसान को फसल का पूरा दाम मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वो कौन से बयान थे जो ये बताते हैं कि उनकी नजर 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने पर है? अब एक एक करके उनके वो बयान भी ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है, और हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये मिशन राष्ट्रीय मिशन है, ये देश को आगे ले जाने का मिशन है, ये किसी पार्टी का मिशन नहीं है,
इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, सारे बीजेपी वाले भी साथ आओ, सारे कांग्रेस वाले भी साथ आओ। मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे, 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे। और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के लिए ये इतना आसान है? उनके सामने एक विशालकाय पार्टी के रूप में बीजेपी खड़ी है। ये बात सही है कि विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है और खासतौर से कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री का चेहरा बनना इतना आसान होगा? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ताकत की बात कर लेते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर 7 साल का अनुभव है, देश में उनके एक लोकप्रिय नेता की छवि है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, दिल्ली के बाद पंजाब जीतकर ताकत में और इजाफा ही हुआ है उनकी। दिल्ली मॉडल की विपक्ष तारीफ करता है, हमेशा राजनीति के मोड में रहते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की अपनी कमजोरियां भी है और उन पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। पार्टी सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही सीमित है, यूपी, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव हारी है। दिल्ली में दोनों बार लोकसभा चुनाव हार गई है। राष्ट्रीय स्तर पर करिश्माई नेता की छवि अभी नहीं है, पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर का कैडर अभी नहीं है। केजरीवाल की नैतिकता वाली छवि को नुकसान भी पहुंचा है और इन्हीं वजहों से 2024 में उनकी राह मुश्किल लग रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के सामने विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो अनुभव और समीकरणों के मामले में केजरीवाल से ऊपर हैं, जैसे राहुल गांधी जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी के, अब नहीं लेकिन पुरानी पार्टी के नेता हैं। उनकी पार्टी पूरे देश में मौजूद है नेशनल लेवल पर। ममता बनर्जी से अगर अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो ममता बनर्जी उन पर भारी पड़ती है, क्योंकि वो लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, 20 सालों तक सांसद रही हैं, केंद्र में रेलवे, एचआरडी और कोयला मंत्रालय संभाल चुकी हैं। विपक्ष के तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आता है, वो भी अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 17 सालों का मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है, उनकी छवि भी साफ सुथरी है, एक सेक्युलर नेता की है, वो भी केंद्र में 15 सालों तक सांसद रहे हैं, रेलवे और कृषि जैसे केंद्रीय मंत्रालय वो संभाल चुके हैं। और इन सब के बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल के नाम पर विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने पर मुहर लग जाती है तो उनका मुकाबला उस भारतीय जनता पार्टी से है जिसकी लोकसभा में 303 सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 91 सांसद है, आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद है। बीजेपी और उसके सहयोगी जो लोग हैं, वो पार्टियां हैं, उनके देश के 18 राज्यों की 50% जनसंख्या पर राज है, जबकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 2 राज्यों के करीब 3.5% जनसंख्या पर सत्ता चलाते हैं। तो मुकाबला मुश्किल और कठिन है, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये तो ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। मेरा कोई प्रधानमंत्री बनने का वो नहीं है, मेरा कोई ये सब मुझे समझ नहीं आता। मैं 10-12 साल पहले मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था मैं राजनीति में आऊँगा, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कोई पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। ये ऊपर वाले का कोई करिश्मा था, जनता का प्यार था कि आज ये जिम्मेदारी दी। इसी साल अप्रैल के महीने की शुरुआत में जब अरविंद केजरीवाल से उनकी 2024 की महत्वाकांक्षा पूछी गई थी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन केजरीवाल जिसके लिए मना करते हैं वो करते जरूर हैं और यही उनकी छवि है। याद कीजिए साल 2014, दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली थी, लेकिन 49 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस चले गए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया, खूब रैलियां की, गंगा स्नान किया, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, इसी बीच किसी ने स्याही भी फेंक दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने बुरी तरह से हार गए।
करीब 3,71,000 वोटों से केजरीवाल की हार हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर फोकस किया और फिर 2015 में दिल्ली में बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। 2020 में फिर दिल्ली में बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन लोकसभा में बीजेपी का विकल्प वो अभी तक नहीं बन पाए। यही वजह है कि 2014 के बाद 2019 में भी दिल्ली वालों ने सातों सीटों पर केजरीवाल के बजाय बीजेपी को ही चुना। लेकिन अब पंजाब जीत के बाद उनके मन में फिर से प्रधानमंत्री वाली महत्वाकांक्षा है। केजरीवाल भले ही इनकार करें, लेकिन उनके नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। हमारा मकसद है पार्टी की सोच जो है वो देश में फैले। भले ही हम वहाँ ना जाएं, लेकिन हमारी सोच वहाँ जाए, वहाँ के लोग सरकार को मजबूर करें। देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल। लोगों ने मौका दिया तो जरूर अरविंद केजरीवाल जी, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द बड़े रोल में, प्रधानमंत्री के रोल में हम उन्हें देखें और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि असल लड़ाई तो उस विपक्ष की है जो बिखरा हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि वो 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी को बनाना चाहते हैं। 24 में विकल्प फेस ममता बनर्जी हो सकती है। आपको याद रखने पड़ेगा कि बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, तो यहाँ पर ममता बनर्जी का सॉलिड बेस है, उसके ऊपर वो बाहर जा सकती है। तो ये सब सवाल का तो पक्का कोई फैसला नहीं हुआ। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल को पहले एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता था जो बुरी तरह से देश में पस्त कांग्रेस की जगह ले सकती थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की नैतिकता को लेकर वो छवि नहीं रही, जिसकी वजह से उनकी विचारधारा राजनीति से ऊपर मानी जाती थी। मेक इंडिया नंबर वन इस प्रोग्राम को शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या मेक केजरीवाल एज पीएम फेस ये विपक्ष करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने होए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।